हाय गाइस, फर्स्टली वेलकम ऑन आवर चैनल फीफा फूस टीवी। क्या कहना है सीन के बारे में, शहनाई बजना शुरू हो गई है दोनों के लिए। व्हाट टू से, सिंधु आप स्टार्ट कीजिए, क्या कहना चाहेंगे आप जो भी सीन में चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द कमिंग एपिसोड्स। हमारी शो में भी शादी होने वाली है और उस शादी में बहुत सारे खुलासे होंगे, बहुत तरीके से सामने आने वाले हैं। सो इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग फॉर एवरीबडी टू वॉच। बस यही है, शादी होने वाली है फिलहाल। शादी जो संजीव की 7 साल लोगों के बीच में हुई थी वो ऑडियंस ने देखी नहीं थी, ना ही मेरे परिवार ने देखी थी, चंदेल परिवार ने। तो इस बार मैं अपने परिवार के साथ बनाना चाहूँगा, मतलब बनाऊँगा, और ऑफकोर्स मेरी फैमिली भी इंजॉय करेगी और ऑडियंस जो है हमारी जिन्होंने संजीव की शादी मिस की है वो भी इंजॉय कर पाएंगे। वेल हमें तो पता है टेलीविज़न में कोई भी शादी इतनी आसानी से नहीं होती, कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। यहाँ भी मुसीबत आपके सामने है, जहाँ आपने बोलते ना बहुत ब्रेवली कहा कि हाँ ये तो शादी हो के रहेंगी। व्हाट टू से, हमें मत सिखाओ कानून, बताइए। आई थिंक वही है इसका आंसर कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। ऑब्वियसली इतना इजीली तो नहीं होगी, बट कुछ टाइम के बाद काफ़ी चीज़ें होंगी, खुलासे होंगे, फिर जाके शादी होगी। व्हाट यू वांट टू से, कोहू का दिल दुखाया है, कोहू की आंखों में आंसू है। बेसिकली तो कुछ दिल नहीं दुखाया, जो भी कर रहा है संजीव कोहू भाभी के लिए ही कर रहा है। वो संजीव के लिए पहले भी भाभी थी, अभी भी भाभी है और हमेशा भाभी रहेगी। बेसिकली घर में कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी इस चीज़ को लेकर, स्पेशली जो मेरा भाई है राजीव था। बट वही क्लियर चीज़ें करने के लिए संजीव ये सब चीज़ें कर रहे हैं, संजीव और सिंधु और कोहू सब मिलकर ये सब चीज़ें कर रहे हैं। सो आई होप सब चीज़ें आगे सॉर्टेड हो जाए। बट आपको तो पता ही है कि हंसिनी कैसी है, कुछ ना कुछ ड्रामा और कुछ ना कुछ अड़चने लाई। बट संजीव भी संजीव है और उसके साथ तो आप सिंधु हैं जो कि संजीव की कार्बन कॉपी है और बहुत ही अच्छा कर रही है। सो आई एम श्योर हम सब मिलके हंसिनी का भांडा फोड़ेंगे और कोहू को राजीव दादा के पास वापस भेजेंगे। ओके, लास्टली अपने फैंस को क्या कुछ कहना है, बताइए क्या कहना चाहिए। कहना चाहूँगी कि हमारी रील्स देखना, हम दोनों ने रील्स बनाना स्टार्ट किया है। वॉच आर रील्स एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड कीप वॉचिंग आवर शो एंड कीप लविंग अस। सिस्टर ऑफ फैम, ऑफ कोर्स रील्स देखना जैसे कि मैम ने कहा है, और ये वीडियो के नीचे भी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा फूस टीवी के नीचे। और बस यही कहना चाहूँगा कि आज 350 एपिसोड्स ऑलमोस्ट हम लोग के हो गए, उसके ऊपर जा रहे हैं। सो सभी चीज़ ये आप ही के कारण है। सो आप लोग जितना प्यार कर रहे हो प्लीज़ ऐसे ही करते रहिए, इससे ज़्यादा हमें प्यार चाहिए और हम आपको ऐसे ही एंटरटेन करते हैं। ये 350 एपिसोड की जर्नी अब तक की किस तरीके की रही है? सो रोलर कोस्टर बेसिकली, बिकॉज अभी पहले तो सभी को पता था हमारा साइट नायगांव में था, अब नायगांव से यहाँ आ गया फिल्म सिटी। सो हम लोग बता नहीं सकते कि हम लोग कितने 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 ज़्यादा खुश हैं। हाँ, काफ़ी अप्स एंड डाउन थे, काफ़ी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था पहुँचने के लिए सेट पे, फिर 12-13-14 घंटा शूट जैसे कि आपको पता ही है, और ऑफ डेज भी नहीं मिलते थे क्योंकि हमारा शो मंडे टू संडे आता है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है हमें बैंक बनाना। बट लकीली सब चीज़ें अभी तक सॉर्टेड रही है और आई एम श्योर आगे भी ऐसे ही सॉर्टेड रहेगी। और बस आप लोगों के ब्लेसिंग्स चाहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। यू वॉन्ट टू से समथिंग ऑन योर जर्नी? My journey has honestly just begun. It's only been 17 days for me, and so far my journey is going really well. Yeah, I'm really enjoying the journey. Everything is really good. Thank you.